subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, मेरा नाम हर्ष ब्राड है और मैं एक गजल से शुरुआत करना चाहूंगा। तो समय से अवध में चल रहे हैं हम, अपने कद में चल रहे हैं। समय से अवध में चल रहे हैं हम, अपने कद में चल रहे हैं। आशिकी वक्त से पहले वक्त से तेज निकल गई, आशिक सारे आज भी अपनी हद में चल रहे हैं। वो जो मौत का डर था जमीन से जा चुका, वो जो मौत का डर था जमीन से जा चुका। दोस्त अब हर एक के अपने सद में चल रहे हैं। इस दौर में कई लोग मुफ्त शहीद हो गए, इस दौर में कई लोग मुफ्त शहीद हो गए। कितनों के छोटे छोटे जख्म अभी नकद में चल रहे हैं। यकीन करो उसका दुख तुम्हारी छाती फाड़ देगा ब्राड, यकीन करो उसका दुख तुम्हारी छाती फाड़ देगा ब्राड। जिस बाप की जायदाद पर हम मुकदमे चल रहे हैं। तो एक शेर और एक मतलब देखिए आगे। तुम्हें जहर नहीं मरहम निकालना था, और जितना निकला उससे थोड़ा कम निकालना था। तुम्हें जहर नहीं मरहम निकालना था, और जितना निकला उससे थोड़ा कम निकालना था। और तुमने आधी बातें बताकर मुझे तोड़ क्यों दिया, तुम्हें पूरी बात बताकर मेरा दम निकालना था। एक गजल और देखिएगा के मतलब। ये सच है तेरे नाम का मैं गुनहगार था, मगर है दोस्त मैं भी पूरा वफादार था। ये सच है तेरे नाम का मैं गुनहगार था, मगर है दोस्त मैं भी पूरा वफादार था। जिस दौर तेरी मोहब्बतें अपनी हदें लांघने लगी, उस दौर में भी शेफता तेरा बेशुमार था। मैं सब कुछ सुन रहा हूँ इसकी तुझे आहट नहीं हुई, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ इसकी तुझे आहट नहीं हुई। तेरे हर कदम से मैं भी पूरा खबरदार था। तूने जो इश्क किया उसे नादानी कहते हैं, तूने जो इश्क किया उसे नादानी कहते हैं, पर मुझे जो हुआ वो पूरा तजुर्बेकार था। तूने जो इश्क किया उसे नादानी कहते हैं, पर मुझे जो हुआ वो पूरा तजुर्बेकार था। मेरी खामोशी का सबब फकत तू ही नहीं है, मेरी खामोशी का सबब फकत तू ही नहीं है। तेरे इस्तराब का मैं भी पूरा जिम्मेदार था, मेरी खामोशी का सबब फकत तू ही नहीं है। तेरे इस्तराब का मैं भी पूरा जिम्मेदार था। अगर आप इस शो में भाग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर्स पर व्हाट्सएप या कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। जेकर तुसी इस शो विच भाग लेना चाहते हो तां स्क्रीन ते आ रहे नंबर से व्हाट्सएप या कॉल करके संपर्क कर सकते हो।